सोलन में ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके चलते शहरवासी आग जलाकर ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊनी कपड़े, टोपियां, मफलर डालकर ठंड से बच रहे हैं। मूंगफलियां और गर्म सूप की मांग शहर में बढ़ती ही जा रही है। गर्म मूंगफलियां और सूप पीकर लोग राहत की सांस ले रहे हैं। सोलन में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके चलते शहरवासी अलाव जलाकर ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊनी कपड़े, टोपियां, मफलर डालकर ठंड से बच रहे हैं। मूंगफलियां और गर्म सूप की मांग शहर में बढ़ती जा रही है। गर्म मूंगफलियां और सूप पीकर लोग राहत की सांस ले रहे हैं। कम कपात देने वाली ठंड से अब लोग परेशान हो चले हैं। ठंड इतनी है कि अब कोहरा भी जमने लगा है और रात होते ही ओस भी पड़ने लगी है। ठंड की वजह से ग्राहकों की कमी देखी जा रही है। यही कारण है कि बाजार भी जल्द बंद होने लगे हैं। शहरवासियों ने बताया कि कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप ज्यादा ही हो चला है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोलन में भी जल्द ही बर्फ गिर सकती है। शाम होते ही वे आग जला लेते हैं। आग तपने से ही वे कुछ कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही वे ठंड से बचने के लिए गर्म टोपी और कपड़े पहन रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों को सलाह दी है कि अगर वे घर से बाहर निकलते हैं तो वे पूर्ण तैयारी से बाहर निकलें और गर्म कपड़े, टोपी, मफलर, जैकेट जरूर पहने। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। देखिए, सर्दी से बचने के लिए हम टोपी वगैरह, जैकेट वगैरह हीटर सेक रहे हैं, बाहर आग जला के खड़े हो रहे हैं कि ठंड से थोड़ा बच सके। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में कुछ ये हो सकता है कि मौसम थोड़ा और गिरे, वैसे बारिश होती है, 31st आ रहा है। मेरा नाम रोहित है, मैं रोडू से हूँ। और जो आजकल जो ठंड है यहाँ पे बहुत बढ़ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जैकेट पहन के विदाउट जैकेट को यहाँ घूम नहीं पाएगा। जिस हिसाब से यहाँ का जो टेम्परेचर जा रहा है, 0-5 तक पहुँच गया है लगभग टेम्परेचर। आजकल यहाँ पर ऐसे ही कोई स्वेट शर्ट में तो कोई घूम भी नहीं पा रहा है, इस तरह से तो बहुत ठंड बढ़ रही है यहाँ पे। अभी तक तो लग नहीं रहा है कि ठंड थमने वाली है। जिस हिसाब से यहाँ का जो मौसम वेदर चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ठंड और बढ़ेगी। अभी तो शुरुआत ही है, दिसंबर के एंड तक तो शायद यहाँ पर बहुत ठंड हो सकती है। आजकल विंटर का ही मौसम है तो ठंड पिछले साल के मुताबिक इस साल काफ़ी ज़्यादा है, तो आगे भी साल इसी तरह जाता रहेगा। तो लगता है कि इस बार ही कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है, जिसके कारण कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सब जगह लोग आग जला रहे हैं। जगह जगह हमारे भी यहाँ पे दुकान के आगे मतलब काफ़ी हो है आग जला रखी, ताकि लोग आते जाते वारी सेक ले। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसडी के साथ। नमस्कार।